गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम कनिका। और आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं उत्तराखंड का। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं जा रही हूँ कौसानी, और कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आज मैं वही देखने जा रही हूँ। मेरे होम स्टे से कौसानी जाने में लगेंगे मुझे 1.5 आवर, और आई थिंक डिस्टेंस है 43 किलोमीटर्स। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे हैं, तो अभी मुझे पता नहीं है एज सच क्या क्या जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और क्या क्या ओपन है, क्या क्या क्लोज है, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। तो मैं वहीं जाके देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट चलते हैं। हे गाइस, सो फाइनली आई एम इन कौसानी, और अभी मैं हूँ अनाशक्ति आश्रम में। और आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे गांधी जी की एक मूर्ति है। यही वो जगह है जहाँ पे गांधी जी आए थे एक दिन के लिए, बट यहाँ की खूबसूरती उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने 14 डेज तक यहाँ पे स्टे किया, और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। कोविड टाइम पे ये जो जगह है अनाशक्ति आश्रम, इसे बंद कर दिया गया था और इसे आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया था, बट अभी ये कम्प्लीटली ओपन है। और अंदर फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं आराम से बैठ के, आप यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ एक दिन के लिए आए थे, उनको यहाँ का व्यू, यहाँ के वातावरण अच्छे लगे, तो वो 14 दिन रहे। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ का नाम रख दिया मिनी स्विट्जरलैंड। अच्छा। यहाँ से हिमालय भी दिखता है, त्रिशूल भी दिखता है, पंचाचूली भी दिखती है, नंदा देवी का मंदिर भी दिखता है, और देखने लायक यहाँ गांधी आश्रम, सल्ला बहन जी का म्यूजियम, सोल फैक्ट्री, टी गार्डन, बैजनाथ, चौक ब्राह्मणी, बैधानगढ़ी, पिनाथ, रुदुधारी, पांडव खोली, पांडव गुफा, भट्टकोट, हरुहेत का मंदिर, चांदी खेत, तलाक ताल, ये बहुत देखने लायक जगह। और ये सारी कौसानी में? ये सारे कौसानी। तो अभी ये वैसे खुला हुआ है ना? हाँ, बीच में बंद हो गया था कोरोना की वजह। कोरोना की वजह से बंद हो गया था, अभी थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है। अच्छा। तो गाइज, अनाशक्ति आश्रम के बाद अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कौसानी के टी स्टेट में। और अनाशक्ति आश्रम से टी स्टेट का जो डिफरेंस है वो है 4.5 किलोमीटर्स। फिलहाल तो यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और मुझे यहाँ पे कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। वैसे गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे ग्रीन टी मिल जाती है तो मैं यहाँ से ग्रीन टी ज़रूर लेके जाऊंगी। और नीचे ही काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक टी मिल जाएगी, नॉर्मल टी, ग्रीन टी भी मिल जाएगी जो यहीं पे प्रोसेस होती है। तो गाइस, अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ टी स्टेट से, और अभी मैं जा रही हूँ बैजनाथ टेम्पल, जो कि यहाँ से है 11 to 12 किलोमीटर्स पे। जो रोड्स हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना टाइम लगने वाला है। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ बैजनाथ टेम्पल पे। हाँ,
गाइज फाइनली मैं बैजनाथ टेम्पल पहुँच चुकी हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बैजनाथ झील है। वैसे तो यहाँ पे डैम है जो कि सिंचाई के लिए बनाया हुआ डैम है बेसिकली। तो अभी मैं अंदर जाके पहले दर्शन करती हूँ फिर आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। तो गाइज मैं बैजनाथ टेम्पल से निकल चुकी हूँ और वैसे मेरा रुद्रधारी वाटरफॉल देखने का भी आज प्लान था बट ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है और मुझे वापस अपने होम स्टे पर भी जाना है। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और अभी मुझे अपने होम स्टे अल्मोड़ा तक जाने में 2.5 घंटे लगेंगे। तो मुझे लग नहीं रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा रुद्रधारी वाटरफॉल, बट अगर मैं पहुँच जाती हूँ टाइम से, रस्ते में ही है क्योंकि कसानी में, तो मैं चली जाऊँगी और वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। बट वैसे मुझे प्लान जो है वो मुश्किल लग रहा है। और एक और चीज, मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है तो अभी मैं फोन से शूट कर रही हूँ, तो जो जो क्लिप्स होंगी फोन से ही होंगी अब आगे की। I'm crazy, but I'm wrong, baby, it's true.